हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एस एस सी वाला। चलिए आज हम लोग कुछ झारखंड जीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, बताइए 40 क्वेश्चन रहेगा। झारखंड राज्य का मानचित्र पर अवस्थित है, आप बताना झारखंड कहाँ पे, मानचित्र पर अवस्थित कहाँ पे दोस्तों। तो कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में है ना झारखंड राज्य, कौन सा देख ले मैप में देख सकते हैं आप लोग। तो ऑप्शन देखिए चार, और इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्व गोलार्ध में, इसका आंसर ये हो जाएगा। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था, कैसे हुआ था, चार ऑप्शन देखिए बताइए। राजमहल ट्रैप का जो निर्माण होता है दोस्तों, कैसे होता बताया, चट्टानों के टकराने से हुआ था ना, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, चट्टानों के टकराने से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था। टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। टेल्को 1948 ईस्वी में, कब किया गया था, 1948 ईस्वी में। ठीक है, झारखंड के कौन से दो जिले बॉक्साइट उत्पादन से अग्रणी है, बॉक्साइट के मामले में दो जिलों का नाम बताना है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन बताइए। बताइए क्या होगा, गुमला और लोहरदगा, गुमला और लोहरदगा। झारखंड में किस इलाके में शुष्क पतझड़ के वन नहीं पाए जाते हैं, देखिए क्या बोले, शुष्क पतझड़, देखिए कहाँ पाया जाता है, गढ़वा पलामू छतरा में तो पाया जाता है, हजारीबाग कोडरमा में पाया जाता है, राजमहल के पश्चिमी साइड में भी पाया जाता है, सिंहभूम और पाट क्षेत्र में नहीं पाया जाता। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। राज्य के ब्लॉक स्तर पर एक आपदा समिति का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, ब्लॉक लेवल का बात कर रहा है, तो बताइए इसका अध्यक्ष कौन होगा, भैया कौन होगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ, बताइए। ब्लॉक लेवल का बात हो रहा है तो फिर वही होगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी होगा। झारखंड राज्य में जंगल में आग लगने की घटनाओं प्रभावित जिले कितने हैं, झारखंड राज्य में जंगल में आग लगने की घटनाओं से प्रभावित जिले कितने हैं, कितने जिले बताइए, 10 जिले। आपको जिले का तो नाम तो नहीं पूछेगा लेकिन याद रखिए 10 जिले, हालांकि पूछ देते एक बार सुन लीजिए, गढ़वा पलामू लातेहार चतरा हजारीबाग पूर्वी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम सिमडेगा गुमला सरायकला खरसावां। ठीक है, इसे याद कर सकते हैं आप। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलाश ब्रांड की शुरुआत की है, पलाश ब्रांड क्या है, क्या है पलाश ब्रांड, ऑप्शन देखिए। ग्रामीण स्तर पर गांव को प्रोडक्ट को बेचने का एक प्लेटफॉर्म है ग्राम, ठीक है, ग्रामीण स्तर पर गांव के प्रोडक्ट को बेचने का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। झारखंड समन्वय समिति का संयोजक किसे चुना गया था, झारखंड समन्वय समिति का संयोजक किसे चुना गया था, तो बीपी केसरी को चुना गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता अबुल कलाम आजाद को झारखंड के किस शहर में नजरबंद रखा गया था, कहाँ रखा गया था दोस्तों, रांची में रखा गया था ना, ये बात तो आपको पता ही होगा, 1916 से लेके 1919 था ना, क्या अलग डेट था बताइए, 1916 से 1900 डेट भी याद रखना है। कटोंग बाबा कटोंग किस विद्रोह का सर्व प्रमुख गीत है, किसका गीत है दोस्तों, बिरसा आंदोलन। भारत सरकार द्वारा 1989 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे, बताइए 42 का, झारखंड सरकार द्वारा 1989 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स, कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन था दोस्तों, तो वीएस लाली थे, कौन थे, वीएस लाली, इसका आंसर बी हो जाएगा। किसने हजारीबाग में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया था, हजारीबाग का पूछा हुआ है, तो भाई हजारीबाग का सबको पता है कृष्ण बल्लभ साहे जी थे, ठीक है, नमक कानून वाला कृष्ण बल्लभ साहे, कृष्ण हजारीबाग से। माल पहाड़िया जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, सही है, संथाल परगना पाया जाता है। ठीक है, संथाल जनजाति में कुल कितने गोत्र होते हैं, गोत्र तो पता होगा, ठीक है, टोटल इसका 12 गोत्र होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, गोत्र कौन बताइए, 12 याद है किसी को,
किसी को तो याद नहीं होगा लेकिन फिर भी एक बार सुन लीजिए, हांसदा, मुर्मू, हेम्ब्रम, किस्कू, मरांडी, सोरेन, बास्के, टुड्डू, पोड़िया, बेसरा, चौड़े, बेदिया, ये सब टोटल 12 हैं। झारखंड की शिल्पी जनजाति कौन है? महली। ठीक है, हथिया पत्थर मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? फुसरो में। फुसरो कहाँ पे बताइए? हथिया पत्थर मेला फुसरो में आता है। ठीक है, कहाँ पे? बोकारो में। झारखंड राज्य पंचायती राज की संरचना कैसी है? चलिए, त्रिस्तरीय। ठीक है, आपको ट्रिक में बताए थे, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय, बताइए कैसे ट्रिक बताए थे? बलवंत राय मेहता, 3 अक्षर आ रहा है, बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय, अशोक मेहता 2 आ रहा है तो 2 स्तरीय, और बताइए आर बी पी के राय जो भी था 4 आ रहा है, तो सब ट्रिक बता रखे। ठीक है, पीडीएफ में कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ से आप कन्फ्यूज ना होइएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय देख सकते हैं, चारों है, चारों में देख सकते हैं कौन लीड किया था, वो बात का बताया गया। यहाँ पे देवघर के वैद्यनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित किया गया है? क्या नाम था उसका? पूरन मल के द्वारा करवाया गया था नागर शैली में। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र का नाम बता दो भैया। होड़ संवाद, यही था, दूसरा था बताइए, कौन कहता था ये होड़ संवाद का संपादन कौन किया था बताइए? डोमन साहू, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, डोमन साहू होड़ संवाद संथाली भाषा। राम रेखा धाम का मेला कहाँ लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगा जाता है दोस्तों, और ये सिमडेगा में लगता है। ठीक है, डोमकच नृत्य किस किया जाता है कब? डोमकच, विवाह पर किया जाता है। ठीक है, माँ योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए, तो माँ योगिनी मंदिर दोस्तों 12 कोपा पहाड़ी, ये कहाँ पे है बताइए? बताइए कहाँ पे, बताइए, ये भी क्वेश्चन आता है, 12 कोपा पहाड़ी कहाँ पे है ये? तो गोड्डा में, याद रखिएगा। ठीक है, माँ योगिनी मंदिर गोड्डा या फिर 12 कोपा पहाड़ी पर ही है, पहाड़ी पूछा तो गोड्डा ही मारना आपको। इस मंदिर का निर्माण कौन कराया था दोस्तों? चारुशीला देवी कराया था, याद रखिए। ठीक है, गोड्डा वाला। निम्न में से कौन एक साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं? तो देख लीजिए, ऑप्शन देख के पता चल जाएगा आपको। झारखंड जीके में बोलना है क्या कुछ? राजा दलेल सिंह थे, और कौन था? ये साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते थे। भारत छोड़ो 1947 किसकी कृति है? भारत छोड़ो 1947 किसकी कृति बताना है? बाल मुकुंद, निरंजन महतो, राधा कृष्ण, खासीराम, तो किसका है? राधा कृष्ण का। निम्न में से कौन एक खोटा भाषा के प्रसिद्ध लेखक है? चलिए, खोटा वाले तो बता ही देगा आराम से, जो खोटा तैयारी किए हैं। ठीक है, मेघदूत हो गया, तितकी हो गया, दीव ज्योति हो गया, किसका है? सब श्रीनिवास पानुरी का। किसका है? श्रीनिवास पानुरी का। नेक्स्ट, हमीन कर बजट के प्रस्तावित योजना का मूल रूप से किस वित्तीय वर्ष में प्रदान किया गया था? डेट हम बता रखे थे, 2023-24 था ना? बिल्कुल सही बोल रहे, 2023-24 होगा इसका आंसर। निम्न में से कौन से पुस्तक रामदयाल मुंडा की कृति है? रामदयाल मुंडा की कृति कौन भैया? मुंडारी ग्रामर किसका है? रामदयाल मुंडा। हिसीर किसका है? रामदयाल मुंडा। आदि धर्म किसका है? रामदयाल मुंडा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी तो चारों याद रखना है, मुंडारी ग्रामर, रामदयाल मुंडा, हिसीर, रामदयाल मुंडा, आदि धर्म, रामदयाल मुंडा, तो सभी सही हो जाएगा। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ईस्वी में किया गया था। झारखंड का एकमात्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान निम्न में से कहाँ पे है? लिखित है आईएसएम धनबाद।
ठीक है, आईएसएम धनबाद। झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज है कौन सा है? प्रथम डिग्री कॉलेज बताइए, संत कोलम्मा, हजारीबाग। बिल्कुल सही है। निम्न में से किसका संबंध पर्वतारोहण से स्थित है? माउंटेनर प्रेमलता अग्रवाल और चेतन, दोनों दोनों नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रेमलता अग्रवाल भी होगा और चेतना साहू भी होगा, दोनों क्या माउंटेनर से है, जिसका आंसर सी हो जाएगा, चेतना साहू और प्रेमलता अग्रवाल। 24 बजट के संदर्भ में लागू होने वाले कृषि समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए बताइए। चलिए, सिंचाई का व्यवस्था करना में मुख्य उद्देश्य था 24। ठीक है, देश का पहला ग्रीन स्टेडियम बनाया गया है, ग्रीन स्टेडियम देश का पहला बनाया गया कहां पे? JSCA स्टेडियम रांची, 1,76,00,000 लगा था बनाने में भैया, ठीक है ना। बजट 23-24 के संदर्भ में झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रस्तावित के तहत कौन सा श्री अन्न शामिल नहीं है? देखिए कौन सा शामिल नहीं है, कौन नहीं बताइए, कोदो, कुटकी, कुट्टू, जौ शामिल नहीं है, ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से किसी एक महिला खिलाड़ी का संबंध तीरंदाजी से नहीं है? तीरंदाजी से नहीं है, ध्यान दें, पूर्णिमा मातो क्या हो गया, चलिए बताइए। चलिए, पूर्णिमा मातो तीरंदाजी, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, सुमराय टेटे बताइए, ये हॉकी है, झानू हंसदा तीरंदाजी, तो कौन नहीं है देख लीजिए, पूर्णिमा मातो तीरंदाजी, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, झानू हंसदा तीरंदाजी, सुमराय टेटे जो हॉकी प्लेयर, इसका आंसर सी हो जाएगा। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला खान है? प्रोडक्शन वाइज पूछा भैया, प्रोडक्शन वाइज पूछेगा तो झरिया, ठीक है, जो कि धनबाद में झरिया, झरिया कोयला खान, कर्णपुरा एरिया वाइज बड़ा हो जाएगा, हालांकि प्रोडक्शन वाइज पूछा हुआ है तो झरिया होगा। झारखंड में सर्वाधिक लो एस्क पाया जाता है कहाँ पे, कौन सा, कौन पाया जाता बताइए, पाया तो दोनों जाता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, लेकिन सर्वाधिक पूछा है तो हेमेटाइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। शिवपुर गोवा, सिरपुर सोवा गर्म, शिवपुर सोवा गर्म जलकुंड कहाँ पे है? शिवपुर सोता रहता है गर्म जलकुंड, बताइए, शिवपुर सोवा गर्म जलकुंड पाकुड़ में। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई बताना है, बताइए, पाट क्षेत्र 3,000 फीट और 900 मीटर, ठीक है, 3,000 फीट या फिर 900 मीटर, 3,000 फीट या फिर 900 मीटर, ठीक है।